बजरंग पुनिया लाइव हैं, आप देख सकते हैं जो ये धरना है यहाँ पर पहलवानों के, इससे जो लाइट है वो काट दी गई है और पानी भी काट दिया गया है। जो पहलवानों की पानी की गाड़ी आई थी, खाने की गाड़ी आई थी, उसको भी दिल्ली पुलिस ने वापस भेज दिया। उसमें मेज टेबलें थी वो भी नहीं आने दी हैं और कहा कि पहलवानों के साथ बदतमीजी करते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा है कि ये रहो। विनेश क्या व्यवहार कर रही है दिल्ली पुलिस? देख रहे हैं कि लाइट भी काट दी गई है आपकी। देखिए जी, फोन ना था, लाइट जला रहे हैं हम तो, फोन ना था, देखते रोटी खाने लग रहे हैं। लाइट काट दी, हमारा गेट था वो बंद कर दिया, वॉशरूम आया था वो उल्टा भेज दिया, जो गड्ढे थे सोने खातर जो भी चीज थी वो सारी वो कर दी है। वो हमने नहीं कर देना, दिल्ली पुलिस का विश्वास को नहीं जाता, ये सब करने लग रहे हैं। और अब स्टाफ भी दो तीन दिन तक स्टाफ कम हो गया था, ज्यादा लोग ना थे, बस 5-7-10 लोग ज्यादा रहा करते, अब स्टाफ भी ज्यादा बुला रखा है। जो खाट किधर है उसको अंदर नहीं आने दे रहे, हमने बोला की हम धरती में सो रहे हैं, मतलब कीड़ा काटा, मतलब क्या पता क्या बारिश का मौसम है जी। आप देख सकते हैं कि चैंपियन पहलवानों की बिजली पानी लाइट सब काट दी गई। आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को लगातार शेयर करें ताकि ज्यादातर लोगों तक पहुंच पाए। जो गर्मी बैठे रहा है, रात ने सोचा भाई 1-2 घंटे सो ले, ये देखो आप जो रोटी खा रहे हैं वो भी फोनों की जो फ्लैश लाइट है उससे जला के खा रहे हैं। और बता दो लोग कितने अत्याचार कर लो, ये आंदोलन तो नहीं चला जब तीन नया मिल जाता, और उन तेन पूछ लो पुलिस वाले, अगर आप लोग अगर आप लोग की बेटी होती तो आप ऐसा ही व्यवहार करते क्या? ये भारत की बेटियां हैं, आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? तो ये बिजली पानी और आपकी एसीपी से बात हुई तो उन्होंने क्या कहा? एसीपी ने बोला जो ऐसे ही रहेगा, जो करना कर लो, आप लोगों की मर्जी है, हम वो नहीं करेंगे। बोला धरना आप लोग चलाओ, सड़क पे सो, बिजली काट दी गई है, पानी अंदर नहीं आने दे रहे हैं, हर तरीके से तानाशाह कर रहे हैं। पता नहीं सब कैसा ब्रजभूषण, मुझे लगता है कानून से भी बड़ा हो गया है जो उसकी हरकत जो हो रही है, खिलाड़ियों की गल्ला पूरा देश समर्थन में खड़ा है, उसके बावजूद भी उसको इतना सपोर्ट कर रहे हैं लोग। आप देख सकते हैं कि पहलवानों के पंखे बंद हैं, लाइट बंद है, और जो फोन की टॉर्च है उसमें रोटियां खा रहे हैं पहलवान। बजरंग हैं, संगीता, विनेश, साक्षी, सत्यव्रत, सोमवीर, सारे पहलवान आज आप देख सकते हैं कि घर बनाना पड़ेगा भाई, देख लिया हिसाब किताब, लट खाओगे तो कट्ठे खा ले सारे। अब दोबारा वो माहौल बनाना पड़ेगा जो एक साल तक चल लिया था। विनेश कुछ कहना चाह रहे हैं? विनेश कहना तो देता हूँ, जिस प्रैक्टिस करी थी सारा दिन बैठे थे घर में, मैं दिन में भी लाइट ना थी। हाँ, चार पंखे है, इतना बड़ा जगह है, चार पंखे हैं, बस जनरेटर से कुकर काम चला रहे हैं, नाले लोग पसीना हो इतना जिद क्यों है कि के दे दिया ना के कर दिया, लेकिन आने कौन देते कुछ भी गद्दे गद्दे जो हम लोग चिपमा गाड़ी हम लोग लोगों के जो ले रहे थे ना वही गद्दे हैं, ना टेंट वेंट लगा पा रहे हम ही ऊपर थे सारे, जो ये नीम है ना ऊपर इसके सारे वो झड़के ना हमारा आए जा कर सारे दिन। चलो फिर बीटी का मच्छरदानी लगा ली, 2-4 पंखे हम सोए थे रात ने, पंखे भी खोस लिए। ब्रजभूषण तो आराम से, जिन लड़कियां साथ इतना गलत कराया वो तो आजमान है, सब मजे का सेना नहीं बना रखा है, वो तो मजे में है, वो तो आज नहीं बोला मैं मजे में हूँ, आराम है, जो बड़े दुखी हो रहे हैं। साक्षी आप कुछ कहना चाहेंगे? बस ये सब हालात देख के यही लग रहा है कि आज हमारा कोई नहीं बिल्कुल। आप 140 करोड़ देशवासी आपके लिए तालियां पीटते हैं जब आप मैट पे होते हैं और मेडल जीतते हैं और अपने बेटियों जैसा प्यार देते हैं। आज आप टूर्नामेंट नहीं है लेकिन आंदोलन करना पड़ रहा है, तो इस टूर्नामेंट वो चैंपियनशिप पोडियम से और फुटबॉल तक के सफर के ऊपर आप कैसा महसूस कर रही हैं? देखो कभी सोचा भी नहीं था कि न्यू वाला रोटी खाओ, आपने दिखाई दिया होगा और ना तो लाइट ना वॉशरूम आया था, वॉशरूम भी उन्होंने वापिस भेज दिया कि नहीं अलाउड नहीं है। तो आप देख सकते हैं, मतलब गिर रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं, पूरा दिन यही बैठे रहते हैं, मतलब एक वॉशरूम के लिए भी उन्होंने मना कर दिया कि वॉशरूम भी नहीं आएगा। गेट लगवा दिया है प्रशासन ने,
तो आज पुलिस से बात हुई तो पुलिस क्या कह रही है कि आपकी जो बिजली पानी काटी है उसका क्या जवाब दे रही हो? बस ये ऐसे मतलब अपनी अपना ताकत दिखा रही है, मनमानी कर रही है। मंदी भाई आज जनरेटर आया था, जब हमारे पाईआर हमने लॉन्च किया जनरेटर लेके आए थे, जनरेटर अंदर नहीं आने दिया। पुलिस की गलती नहीं मानता, ऊपर से प्रेशर पुलिस के ऊपर भी गलती मुझे दिख रहा है। पुलिस की क्यों गलती नहीं है? उनके हाथ में पावर है, उनके हाथ में देश का कानून है, धारा है, जो भी उनके ऊपर वो अगर प्रेशर दे उनके ऊपर धारा लगा दो। पुलिस से बड़ा तो मुझे नहीं लगता कोई है, कानून देश में सबसे बड़ा है, पुलिस धारा लगाएगी, कानून अपना काम करेगा, कोई भी उनके ऊपर प्रेशर नहीं बढ़ा सकता, ईमानदारी से काम नहीं करेगी। नीचे खाना रखा भाई, अगर कोई भी पुलिस वाला ईमानदारी से अगर नौकरी करे ना तो कोई भी उसको नहीं दबा सकता, कोई भी, क्योंकि वो अपनी काबिलियत से इस जॉब पे आया है, ना कि किसी वोट बैंक से आया है। वो आप देख सकते हैं कि जो पहलवानों का धरना है उससे बिजली काट दी गई है, पानी आज नहीं पहुंचने दिया गया, जो इनके गद्दे कपड़े थे वो नहीं पहुंचने दिए गए हैं, पुलिस ने जो इनके गद्दे कपड़े पानी लेके जो गाड़ी आई थी उसको भी जब्त कर लिया है, और उसको टेंट वाले को डराया धमकाया है, और अभी पहलवान अंधेरे में बैठे हैं। उसको मंदिर भाई गिरफ्तार करके ले गया उनको, और उसको डराया गया, उसको मारी भी गई दो चार कुछ जी, बेचारा लोग छुप के हमारे लिए कर रहा था जी, लेकिन उसको भी मारा गया है और उसको धमकाया गया है जी। पुलिस की जाती है ये गलत है, और ये देखना चाहिए कि ये जो अपने हमारे खुद के बीच के हैं ये जाती हो रही है तो गलत कर रही है पुलिस, उसको देखना चाहिए और इस तरह का व्यवहार उचित नहीं है, और सब लोग देख रहे हैं, तो हम तो यही उम्मीद करेंगे कि इसको जल्दी जल्दी ठीक किया जाए, बिजली पानी की जहाँ समस्या मूल बुजुर्ग उसको तो पूरा करे, और तो क्या हम यहाँ घर मांग रहे हैं आपसे जी। आप देख सकते हैं कि जो पहलवान है वो लगातार शिकायत कर रहे हैं दिल्ली पुलिस की, दिल्ली पुलिस ने आप देखिए कि जो पहलवानों की लाइट काट दी है, ये पंखे देख सकते हैं जो पंखे पहलवानों ने लगा रखे हैं ये बंद पड़े हैं गर्मी में, और लाइट है वो बंद पड़ी हैं, खाना भी उन्होंने जो फ़ोन की टॉर्च हैं उनमें खाया है, और जो उनके टेंट की गाड़ी थी जिसमें जो मेज़ वगैरह आई थी, गद्दे कपड़े आए थे, पानी आया था, उसको भी पुलिस ने जब्त कर लिया है, तो वो लोग भी लगातार दिल्ली पुलिस लगातार इन पहलवानों को परेशान कर रही है। जब एसीपी से बात करने गए बजरंग और साक्षी ये सब लोग, तो इनको धमका के कहा कि आप लोग को जो करना है कर लीजिए, हमने पानी आने देंगे और बिजली भी वो बहाल नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किसान आंदोलन में भी बिजली काटी गई थी, और आज सेम वही स्थिति पहलवानों। बजरंग आपका क्या मूव रहेगा आगे, फिर आप लोग क्या करेंगे? भाई किसान के बालक है, कोई दिक्कत को ना, हम तन्यू बता दे चाहे मच्छरदानिया ले जाओ, सरवाने तन्यू ये सोए थे हम, मच्छरदानी भी मताने दो भीतर, ये मच्छरदानी तारी है इन्हें भी ठा ले जाओ, आड़े तो कोने डग जितना है। या मैंने कई बार बता लिया, भारत की बेटियों की लड़ाई है, न्याय की लड़ाई है, जब तक नहीं मिलेगी जब तक ऐसे ही डट के लड़ेंगे जी। तो जो जितने भी पहलवान हैं वो फिर भी डटे हुए हैं, दिल्ली पुलिस लगातार उनका बिजली पानी, जो वॉशरूम्स आए थे फीमेल रेसलर्स के लिए उसको भी काट दिया गया है, तो उनको भी वापस भेज दिया गया, तो बहुत अजीब स्थिति है। जितने भी व्यूवर्स हैं मेरी आप सभी से दरख्वास्त है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो माहौल दिल्ली पुलिस क्रिएट कर रही है इन खिलाड़ियों के लिए, आप देखिए जो मेरे पीछे आप देखिए स्ट्रीट लाइट्स हैं रोड के ऊपर, ये सब जल रही हैं, लेकिन धरने पे जो इसके जस्ट 50 मीटर पे ये धरना है, इस पे बत्ती गुल है, जो पत्रकारों की टॉर्च है इससे रोशनी हो रखी है, फिर मोबाइल तो, और पंखे भी बंद हैं, और गद्दे और जो पानी आया था उसको भी काट दिया गया है। तो आप सभी से मेरी दरख्वास्त है कि ये पत्रकारों की जो ये फ्लैश लाइट है इससे रोशनी हो रही है, तो सभी से दरख्वास्त है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और खिलाड़ियों के जो मूलभूत सुविधाएं हैं, प्रोटेस्ट करना इनका हक है, तो उसके लिए तो ज़रूर खड़े हूँ, और दिल्ली पुलिस के इस भेदभाव पूर्ण नीति के ऊपर हमें ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए। आपने सारे रेसलर्स को सुना, विनेश को सुना, साक्षी को सुना, जो बात
कह रहे हैं वो भी हमें गौर करनी चाहिए। तो यही था, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ग्रुप्स में शेयर करें, और हमारे पहलवानों के साथ क्या अत्याचार हो रहा है, उनको बिजली पानी उनके रहने की बेसिक सुविधाएं उसके लिए भी वंचित कर दिया गया है। इवन जो वॉशरूम लड़की महिला रेसलर्स के लिए आए थे उनको भी वापस भेज दिया गया है। तो ये कहानी है जंतर मंतर के प्रोटेस्ट की। रात का समय है, पहलवान अभी सोने वाले थे लेकिन उनकी लाइट काट के, बिजली काट के और पानी गद्दे और जो ये सब काट वापस करके उनका जीना बेहाल कर दिया है। ये पूरे आप देखिए कि वहाँ स्ट्रीट लाइट जल रही है, बाहर सब जल रहा है लेकिन इस धरने की बत्ती गुल है, इसके पंखे बंद हैं और इन्होंने जो कनेक्शन ले रखा था उसको दिल्ली पुलिस ने काट दिया है। पहलवान परेशान है, तो आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें।